नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे कि सबसे ताकतवर दुनिया में कौन सी सेना। तो जब मैं कहूं ताकतवर सेना तो जाहिर सी बात है हर कोई समझे अमेरिका की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो पहले अमेरिकी सेना के ऊपर बात कर लेते हैं कि उन्होंने कोई लड़ाई जीती भी आज तक या नहीं। तो आप ये हैरान हो गए होंगे भाई मैं एक सवाल क्या पूछ रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना ने अपनी पूरे हिस्ट्री के अंदर अकेले कभी भी एक भी लड़ाई नहीं जीती। और अगर बात करूं तो ये बता दूं आपको क्लियर कट कि अमेरिकी सेना ने एक भी लड़ाई जीती तो बात की बात है, लड़ी नहीं, एक ही लड़ी लेकिन वो लड़ी वियतनाम से। तो वियतनाम का जिक्र कर लेते हैं। ये वियतनाम के जो लीडर हैं जिन्होंने इनको हराया था अमरीकियों को, और ये तो आप सब जानते हैं वहां से पिट के आए थे अमरीकी, वो ये लीडर का नाम है हो ची मिन्ह। हिज एक्सीलेंसी कॉमरेड हो ची मिन्ह। अभी इन्होंने इनको हराया कैसे अमरीकियों जिनके पास सब कुछ है, ये तो बेचारे तीर कमान वाले थे। तो हो ची मिन्ह ने जो प्रेरणा ली थी वो महाराज शिवाजी और महाराणा प्रताप से। आप जब वियतनाम जाएंगे वहां जाके आपको पता चलेगा, यहाँ विकिपीडिया फाड़िया चढ़िया कुछ नहीं बताते सर, वहां जाओगे तो लोग आपको बताएंगे ये। अब अमेरिकी सेना ने जब भी लड़ाई की है तो वो उन्होंने हमेशा को 30-35 कंट्रीज को साथ में मिलके लेके लड़ाई किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है तो ब्रिटेन साथ है, रशिया दोनों तरफ चला गया था, ब्रिटेन साथ में है, फ्रांस साथ में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है तो फ्रांस साथ में है, रशिया साथ में, वो साथ में, तो एक जर्मनी के पीछे पड़े हुए। ठीक है, तो खैर हरा दिया वो। ठीक है, अब अफगानिस्तान में क्या हाल है इनकी, पिट रहे हैं। इराक में क्या किया इन्होंने, पिट के भग लिए। जहां भी जाते हैं ये पिट के भग जाते। तो इनकी हिस्ट्री देख लो आपके सामने। अब आ जाते हैं चीन। चीन को तुम्हारा गुरतेज सिंह है ना, गुरतेज सिंह है ना, गुरतेज सिंह ने अकेले ने पेल दिया। आपको अगर पता हो तो 20 जो है जवानों की हमारी डेथ हुई थी जो चीनियों ने जब पिछले साल अटैक किया 2020 में, तो कर्नल बाबू थे उनकी डेथ हुई थी, साथ में 19 हमारे लड़ाके थे, तो उसमें गुरतेज सिंह 22 साल लगा था, 22 तो उसने मार दिए थे। और चीन तो अब कहां पता है, अब उसके बस का नहीं, गलवान वैली में खड़ा है अभी भी पंगा ले रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है। ठीक है, सबसे पावरफुल आर्मी में किसकी मानी जाती है, अमेरिका की, सेकंड मानी जाती है रशिया की, थर्ड मानी जाती है चीन की। चीन का तो पहल नहीं। अब रशिया की बात करें, रशिया के पास पैसे नहीं है, आर्मी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल बट पैसा नहीं आया। अब आ जाते हैं इंडिया की बात कर, हमारे दोस्त ही रहे लेकिन वो डिसिप्लिन के मामले में और करेक्टर के मामले में क्वेश्चन मार्क है, उस पर अभी लंबी बात नहीं करते। अब आ जाते हैं इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट पावरफुल आर्मी। अभी आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हो, तो मैं आज की इंडियन आर्मी की बात तो बाद में करूंगा, पूरा आप इतिहास लेके देख लो, हमने कभी भी किसी कंट्री से हेल्प नहीं मांगी। भाई लड़ लो हमारे साथ, लड़ लो हमारे साथ भाई, लड़ लो हमारे साथ, बचा लो भाई हमारे साथ, हमें भी ले चलो साथ में। एक ने एक कंट्री है हमारी साथ जो अब हम लड़ने जाते हैं ना, बोलते हैं हमें ले चलो हमारे साथ, वो नेपाल है, गोरखे जो हमारे साथ चल पड़ते हैं, जबरदस्त जबर लोग हैं हमारे। वो गोरखे ही नहीं है, हमारी तो पूरी हिस्ट्री है कि जिसके अंदर एक से एक लड़ाके। अभी तो बिहार रेजिमेंट भी पता चल गई दुनिया को कि कैसे पेल के आए, जो पता नहीं थी दुनिया को। बाकी सिख रेजिमेंट मराठा तो सब जानते हैं, लेकिन बिहार रेजिमेंट का पता चल गया, बाकियों का भी चल जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो सबको बता देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी हमारी लड़ाई हुई है पूरी, आप हमारी हिस्ट्री देख लो, एलेक्जेंडर से तो हमें पता ही है कि एलेक्जेंडर को यहीं से वापस जाना पड़ा, उससे पहले तो कहीं से गया नहीं, हिस्ट्री है जो मर्जी लिखते रहे। उसके बाद तक 1000 साल उसके बाद तक हमारे पर लड़ाई होती रही, तो गोरी और गजनवी ये जीते। उसके बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान ने पीठ नहीं दिखाई,
पीठ नहीं दिखाई उसके बाद, लड़ाई होती रही, कभी गोरी आया, कभी गजनी भी आया, कभी गुलाम वंश आया, कभी कोई आया, ठीक है, पीठ नहीं दिखाई हमने। अल्टीमेटली मराठाओं ने वापस दिल्ली ले ली। उसके बाद खैर गोरे आ गए, हम हार गए, आज की बात कर लेते हैं। पीठ नहीं दिखाई आज तक, छाती पे गोली आई खाई, हार गए, पीठ नहीं दिखाई। उसके बाद आप देख लीजिए 48 का पाकिस्तान का युद्ध देख लीजिए, नेहरू जी की वजह से सीज फायर हुआ, नहीं तो पेल देते। 62 में हम चीन को पेल देते, लेकिन नेहरू जी की वजह से उन्होंने एयरफोर्स को मना कर दिया, तुम मत मारो चीनियों को, क्योंकि हिंदी चीनी भाई भाई। 65 में हराया, हम गोलियां नहीं थी, लड़ने को इक्विपमेंट नहीं थे, चीन से लड़ने के बाद भी हमारे पास गोलियां नहीं थी, हम संगीनों से लड़ते वो गोली मारते थे। और 65 की वार तो कमाल की है, मतलब वैसे तो हर कमाल किया है, लेकिन 65 की वार की बात बताता हूँ आपको। तो 65 की वार में एक छोटी बैटल हुई थी, वो आपने एक मूवी देखी होगी वो सनी देओल वाली, ठीक है ना, उसके अंदर वो सुनील शेट्टी जो है वो छाती पे बम बांध के टैंक के नीचे लेट गया था, ठीक है, देखिए वो तो छोटी सी एक मतलब बैटल है, इससे बहुत बड़ी बैटल जिसने 65 वॉर हराई वो 71 की है, ठीक है ना, जो जो सनी देओल की मूवी है, नाम भूलो मैं, आपको याद होगा जरूर, आप याद आ गई होगी आपको। अब ये 65 की वॉर में हमारे पास टैंक नहीं थे पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, तो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह वहां खड़े थे। अब लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जो है उनके पास सिर्फ जीपें बंदूकें ये सब थी, और पाकिस्तान ने घोषणा कर दी थी कि यहां से एंटर करके सवेरे शाम को चाय हम लाल किले पे पिए। जनरल हरबख्श सिंह वहां खड़े थे, बात लंबी नहीं करता, जनरल हरबख्श सिंह की जो सेना ने छाती पे बम बांध के तकरीबन 100 से ऊपर टैंक ध्वस्त कर दिए थे, और लड़ाई जो है दिन दिन में खत्म होगी, मतलब दोपहर तक लड़ाई खत्म होगी। वो सनी देओल वाली मूवी में तो एयरफोर्स ने टैंक उड़ाए थे, इसमें जो हमारे जो सैनिक थे छाती पे बम बांध के सारे टैंक उड़ा दिए। वो कौन से टैंक थे, पैटन टैंक, भेजे किसने थे, अमरीका ने सोचा था साइबर जेट और पैटन टैंक से हम जीत जाएंगे, हमें छाती पे बम बांध के हरा दिए, अमेरिका ने जिंदगी में नहीं सोचा। 71 वॉर में 3 हमारे पास एयर जो शिप्स बोट्स थी रहा, जो रशिया ने हमको दी थी अपने, जो खासकर ये बॉम्बे के आसपास या गुजरात के आसपास जो हमारा जो एरिया है अरेबियन सी का, उसको हम बचा लें। वो बोट में ज्यादा मतलब फ्यूल डल नहीं सकता था, तो वो 100-120 नॉटिकल माइल जा सकती थी। वो बोट जाके कराची के जो पोर्ट को ध्वस्त कराई, जो 600 से ऊपर किलोमीटर। अब उन्होंने सोचा भाई ये करते क्या, करते कैसे, जो बोट जाई 100-120 किलोमीटर सकती है नॉटिकल माइल्स का, वो 600 नॉटिकल माइल कैसे मार के आ रही, यही तो बात है जुगाड़। ये सिर्फ इंडियन आर्मी की हिम्मत की बात, उनकी युक्ति और हिम्मत दोनों की। 71 वॉर तो जानते हैं, हमारे 3000 आर्मी पर्सनल से 3000 बांग्लादेश, 93,000 को अरेस्ट किया था बांग्लादेश के, 3000 थे, 93,000 को अरेस्ट किए। कारगिल का तो आप जानते, वो तो बैटल थी, वॉर मैं नहीं कहता, लेकिन 3 महीने चली, ठीक है, उसमें ऋतिक रोशन की मूवी चली बनी थी, देखा था ये, मतलब इससे ज्यादा खतरनाक होता है जो मूवी है, इससे ज्यादा खतरनाक होता है। आप जब उसमें जाएंगे अंदर लड़ाई में, तब पता चलेगा। मैं बीच में भूल गया जनरल हरबख्श सिंह की बात, ये जनरल हरबख्श सिंह की एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जनरल हरबख्श सिंह के उस समय जो डेप्यूटी थे, ये अभी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, अमरिंदर सिंह जी, इनको सब पता है कैसे लड़ाई जीती हरबख्श सिंह ने। अगर हरबख्श सिंह जी ना होते उस समय पे, तो पॉसिबिलिटी थी
ये पाकिस्तान की बात सच हो जाती, लेकिन हमारी आर्मी हरभक्त सिंह जैसे वीर तो दिए, और कितने वीर दिए हैं, असंख्य वीर हैं उनका, मतलब हम मतलब पता भी नहीं, उनका नाम तक नहीं हमने लिया। और जनरल हरभक्त सिंह का नाम किसको पता, आप बताओ। जनरल हरभक्त सिंह जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानियों से छूटे थे जेल में मेरे करीब 2 साल, तो वो खड़े नहीं हो सकते थे, रोटी नहीं मिली थी उनको, बेरी बेरी मतलब इतनी बुरी हालत, उनको बीमार कर दिया था। इवन देन ये हरभक्त सिंह जी को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, उनकी वजह से जो हमारे देश ने जो कीर्ति स्थापना की 1971 है, इसी आदमी की वजह से। इसके बाद तो आप जानते हैं कि कारगिल की वॉर के बाद हमारे यहाँ कोई फिर आर्म्स एम्युनिशन नहीं खरीदे गए, हमारे सैनिकों के कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, लेकिन अब देखो चीन की बैंड बजा रखी है, जाए खड़े हो जाते हैं, और नवतेज सिंह ये भरा गुरतेज सिंह है, नवतेज सिंह बच्चा बड़ा प्यारा है, उसकी शहादत हो गई, उसकी शहादत हो गई। और जब बच्चे शहादत हो गया है तो उनकी माँ का आपने वीडियो देखा होगा, उनका वीडियो देखा होगा, उसकी माँ ने कहा मेरा बच्चा जो है शहीद हो गया है, खुद कंधा दिया उसने। ऐसे वीर जवान है हमारे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज क्यों बात कह रहा हूं, ये बात आपको समझनी चाहिए कि इंडिया इज एट वॉर एट दिस मोमेंट एंड दिस वॉर विल प्रोबेबली एंड 1.5 years फ्रॉम नाउ, लेकिन जीत के निकले। मेरी ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी कि कितने ताकतवर हैं हमारे सैनिक, ज्यादा वॉर्स के बारे में नहीं बताया मैंने, लेकिन एक ग्लिम्स दिया था। ठीक, इस साथ के साथ एक स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, कि सबसे ताकतवर होने के बावजूद भी डिसिप्लिन और करेक्टर जो हमारी आर्मी को नंबर वन आर्मी बनाती है, वही बता देता हूँ आपको। बांग्लादेश गए छोड़ के आ गए, उनको भैया तुम्हारा शहादत हमने दी है, लेकिन ये तुम्हारी जगह। रामचंद्र जी ने रावण को पनिश किया, लेकिन उनकी जमीन नहीं थी। इतिहास देखो कितना पुराना है। मालदीव गए, उनका देश छुड़वा दिया, वो बोले ये तुम्हारा, हमारा काम था तुम्हारे देश के ऊपर कब्जा किया लुटेरों ने, हम तुम्हें बचाने आ गए अच्छे पड़ोसी की तरह। श्रीलंका भी गए अच्छे पड़ोसी की तरह। इससे नेहरू जी की भी शहादत हुई, करीब 1000 हमारे जवानों की शहादत हुई। लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट ने कहा आप यहां से चले जाओ, स्टालिन की फौजें जब जर्मनी में पहुंची थी, तो स्टालिन ने अपनी फौजों को कहा था कि रेप जर्मन विमेंस फॉर 3 nights एंड डेज, हमारी फौजें ऐसा नहीं, नेवर, कभी भी किसी स्त्री पे किसी कोई नजर ऐसे। दोस्तों ये थी इंडियन आर्मी, जो नंबर वन आर्मी है हर तरीके से, कब से, जब से ये दुनिया या संस्कृति या सभ्यता इस वर्ल्ड में आई है, और नंबर वन ही रहेगी। जय हिंद।